नमस्कार दोस्तों, प्रो एडमिन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि लिफ्ट का कैसे यूजेस करते हैं, और अगर आप लिफ्ट में ट्रैप हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ये हम जनरली आपको दिल्ली मेट्रो की लिफ्टों के बारे में बता रहे हैं। ऊपर देखिए लिखा हुआ है लिफ्ट, और ये कौन इसे यूज़ कर सकता है उसके लिए लिखा हुआ है। ये जो है इसको होलगोंग बोलते हैं। ये इंडिकेशन दर्शाता है जब लिफ्ट लेवल पे आ जाती है तब ये ग्लो करता है। नीचे यहाँ पे एक इंडिकेशन दिया हुआ है कि हैंडीकैप जो पर्सन है वो इसे यूज़ कर सकते हैं, उन्हीं के लिए बनाई गई है। ये कॉल बटन बोलते हैं इसको। आप इसको दबाएंगे या प्रेस करेंगे तो जिस लेवल पर आप हैं उस लेवल पर लिफ्ट आ जाएगी। इसे कॉल बटन भी कहते हैं कि हम लिफ्ट को कॉल करते हैं कि हम यहाँ पर हैं, आप आ जाइए। जब शुरुआत में दिल्ली मेट्रो ने लिफ्टें लगाई थी तो वो वृद्ध, विकलांग और बीमार व्यक्तियों को लगाई थी, लेकिन अब पर्पस थोड़ा चेंज हो चुका है, अब सभी लोग इसे यूज़ करते हैं। ये जो साइड में होता है इसको मैप बोलते हैं। इसके अंदर कंट्रोल रहता है सारा, जो भी ऑपरेटर है वो इसे यूज़ करते हैं। ये MCB लगी हुई है, यहाँ पे मेन सप्लाई आती है और मेन सप्लाई सारी यहाँ से कंट्रोल होती है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। एज ए यूज़र हम यूज़ करना चाहेंगे तो हम यहाँ से कॉल बटन प्रेस करेंगे, लिफ्ट ऊपर आ जाएगी, फिर हम लिफ्ट में एंटर करेंगे। यहाँ पर डिस्प्ले होगा, यहाँ पर डिस्प्ले होगा सी मतलब कॉन्कोर्स, पी मतलब प्लेटफॉर्म और जी ग्राउंड। ये तीन चीज़ें दिल्ली मेट्रो में यूज़ होती हैं, शायद जनरली यही यूज़ होती होंगी। कि यहाँ पर इमरजेंसी के लिए दिया हुआ है कि इमरजेंसी होने पर आपको क्या करना है। ये लिफ्ट की आईडी दी हुई है लिफ्ट नंबर 3। अगर आप ट्रैप हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ बटन बने हुए हैं। ये बटन आप बजर का, आप इसे प्रेस करेंगे, बाहर बजर की आवाज़ जाएगी और लोगों का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित होगा। ये फ़ोन आप इसको दबाएंगे तो कस्टमर केयर के पास ये कॉल जाएगी, उनसे आप बात कीजिए, अपनी दिक्कत बताइए। इसके जस्ट ऊपर ये बात करने के लिए यहाँ से आवाज़ सुनाई देगी, यहाँ से आप बात कीजिए और आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, आपको रेस्क्यू किया जाएगा। ये स्टॉप का बटन है, ये डिसेबल किया जा चुका है। ये कार फैन है, अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप इसे चला सकते हैं, सर्दी में तो बंद करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। ये देखिए बीच में डंडा है और दोनों तरफ एरो है, मतलब दरवाज़ा खोलने के लिए है ये, और ये दरवाज़ा एरो इधर की तरफ है, मतलब दरवाज़ा बंद करने के लिए। ये सी कॉन्कोर्स पे जाने के लिए, और ये ग्राउंड पे जाने के लिए। अब ग्राउंड तो सबको पता है, पी लिखा हुआ प्लेटफॉर्म सबको पता है, लेकिन ये सी क्या है। ग्राउंड और प्लेटफॉर्म के बीच का जो एरिया है उसे कॉन्कोर्स कहा जाता है। ये अटेंडेंट मोड ये डिसेबल्ड है, ये लाइसेंस लगा है लिफ्ट का, और ये पूरा का पूरा आप इसे पढ़ सकते हैं जब भी आप लिफ्ट का यूज़ करेंगे आपको क्या करना है। वही बातें हैं, बजर दबाना है और फ़ोन करना है। ये मिरर लगा हुआ है पीछे, जो व्हीलचेयर पे लोग हैं उनके लिए है, ताकि आराम से अंदर और बाहर जा सके। ये हैंड रेल है, इसको आप पकड़ सकते हैं। देखिए मैंने जी का बटन प्रेस कर दिया, जी मतलब ग्राउंड। अब हम ग्राउंड पे जा रहे हैं। यहीं पर एक बात ध्यान दें, दोनों दरवाजों के बीच में यहाँ कुछ होल है, इन्हें फोटो सेल बोलते हैं। यहाँ से रेज निकल के इस होल से टकराती है, और नीचे वाले से यहाँ से निकल के इस होल से टकराती है। तो यहाँ से एक इंफ्रारेड है, अगर आप इसके बीच में रहेंगे तो दरवाज़ा बंद नहीं होगा। एक और सेफ्टी फीचर लगाए गए हैं, ये पैना 40 प्लस बोलते हैं इसको। यहाँ से कुछ रेज निकलती है और डी बनाते हुए यहाँ पे जाती है। ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, इसके बीच में अगर आप खड़े रहेंगे यहाँ तो भी दरवाज़ा बंद नहीं होगा। सेम नीचे है, यहाँ पे ये कॉल बटन दिया गया है नीचे से, मैंने बटन दबाया दरवाज़ा खुल गया। और ये देखिए नीचे से ऐसे दिखेगी ये, यहाँ भी सेम इंडिकेशन लिफ्ट नंबर 3, और मैं कॉल बटन दबा देता हूँ और अंदर जाते हैं। देखिए लिफ्ट ऊपर चली गई है, कि देखिए लिफ्ट वापस नीचे आ रही है, मैंने यहाँ से कॉल बटन दबाया था। और एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ, दिल्ली मेट्रो में जितनी भी लिफ्टें लगी हुई हैं सारी ऑटोमेटिक है। एक बार आपने बाहर से कॉल बटन दबा दिया तो आपको अंदर फिर इसमें से कोई भी बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, लिफ्ट अपने आप समझ जाती है कि नीचे से बंद आया है और उसे ऊपर जाना है।
तो इनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप आए हैं लिफ्ट में और दरवाज़ा खुल गया है, आपने कोई बटन नहीं दबाया है, तो आप अंदर से अपनी सुविधा अनुसार सी या जी या पी आप अपनी ज़रूरत के अनुसार बटन दबा सकते हैं। तो प्रो एडमिन की तरफ से आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कोई जानकारी चाहिए, तो ज़रूर कमेंट में लिखिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।